क्वेश्चन इज ए लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 2x - y इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट x1, y1 देन x1 स्क्वायर प्लस 5 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू योर ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 10 एंड डी 5। ये आपका जे 2020 का क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। बताएंगे मैम ऑप्शन नहीं ऑप्शन ए, बाकी सब मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। वेरी गुड, देखो हो गया सबसे। मैम ऑप्शन ए। बिल्कुल सही है। देखो टेंजेंट यदि आपकी बनेगी, अब देख हाइपरबोला पे टेंजेंट जैसे बनाओगे x1 y1 पे, तो वो होगी x x1 अपॉन 4 माइनस y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये आप लिख दें x x1 - 2 y y1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आप बात करें स्लोप की, तो यहाँ पे जो स्लोप है आपका वो है x x1 अपॉन 2 y, वो कितना है आपका स्लोप इसके, क्या है पैरेलल है, और इसका स्लोप कितना होगा आपका 2 इज इक्वल टू 2 है आपका। तो यहाँ से आ गया x1 इज इक्वल टू 4 y1। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको दो अननोन है ना, दो इक्वेशन चाहिए। अब पॉइंट आप इस पर लाइव भी तो कर रहा है आपका पॉइंट, तो यहाँ से आएगा आपका x1 स्क्वायर - 2 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इज इक्वल टू 4। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व करोगे आपके पास x1 y1 आ जाएगा। पुट कर लो x1 की वैल्यू, पुट कर लो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 16 y1 स्क्वायर - 2 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा आपका 4 अपॉन 40, ये आपका 2/7। तो x1 स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 मतलब 16 into y1 square 2/7, 32/7। अब दोनों को ऐड करा रहे हैं आपको, तो 32/7 + 14/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 to 6। फाइव से मल्टीप्लाई कर रहा है 10/7,
42/7, तो 7 6 42, तो आंसर इज 6, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे. नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट आप ही करते हैं हम लोग कॉमन टेंजेंट टाइप क्वेश्चंस. कॉमन टेंजेंट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है. फर्स्ट लिखेंगे इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1. अब क्या क्या फिगर दिए आपके, फर्स्ट वाला क्या है आपका हाइपरबोला और सेकंड क्या है आपका एलिप्स. तो कॉमन टेंजेंट यदि बनेगी, आपको दिख रहा है इसकी मेजर और उसका ट्रांसवर्स सेम है ना, सेम, और इसका माइनर और उसका कॉन्जुगेट सेम है. तो देखिए जरा, हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं, सोचिए आपका एलिप्स. तो मान लीजिए ये एलिप्स आपको दिया है, दिख रहा है, ठीक है. अब जहां पे इसकी वर्टेक्स है वहीं पे उसकी वर्टेक्स होगी, क्योंकि इसका टी है, ये है और उसका ये मेजर एक्सिस है. तो आपको पता है हाइपरबोला ये होगा, देखो जरा यही होगा कि हाइपरबोला, पहले बताएंगे, किसी को डाउट होगा तो बोलेंगे, यही हाइपरबोला है. देखो बोलिए, हाइपरबोला यही है. Yes, ma'am. तो बच्चे कॉमन टेंजेंट क्या होगी, आपको दिख रहा है कॉमन टेंजेंट कौन कौन सी मिलेगी आप, ये है कॉमन टेंजेंट. Yes, ma'am. है ना, और ये सीधी नहीं आई है, कोई बात नहीं, और ये है कॉमन टेंजेंट, और ये लाइन कौन है, एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू कितनी है ये ए, ए कितना प्लस माइनस 3, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो गई, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3. क्लियर, देखो कुछ सॉल्व नहीं किया है हम लोगों ने ज्यादा, बोलो. यस मैम, यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9.
एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. पहला कर्व क्या है आपका? हाइपरबोला. और सेकंड वाला? सर्कल. सर्कल. तो सर्कल और सर्कल के साथ कोई भी आपका आता है फिगर, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? हम लोग सेकंड वाले फिगर की इक्वेशन लिखते हैं, है ना, और फिर कर्व से सर्कल से उसका क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस के इक्वल पुट करते हैं. यही मेथड सीखा है हम लोगों ने. yes, तो वही कीजिए. चलिए बनाइए इसे. अब ऐसा कुछ होगा आपका, एक आपको सर्कल दिया है जिसका रेडियस 3 है, जो आपको हाइपरबोला दिया है उसका PA 4.0 है आपका, और ये 9.0, मतलब ऐसा है. आप आपका कॉमन टेंजेंट कुछ बन रहा हो ऐसा कुछ मान लो, है ना, इधर से कुछ मान लो, कुछ आपका कॉमन टेंजेंट क्रिएट होगा. फाइंड करेंगे सॉल्व करके इन्फॉर्म करेंगे. यस मैम. देखिए हम लोगों को क्या लेना है, आपका पहले इक्वेशन ले लेते हैं. लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला मींस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ के अकॉर्डिंग दे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ओवर 16 एम स्क्वायर माइनस 9. ठीक है,
अब इक्वेशन को सही से हम लोग लिखें तो ये आपका लिखा हुआ है mx minus y plus root over 16 m square minus 9 is equal to 0. अब यही इक्वेशन है आपकी, है ना? It is also tangent to hyperbola, tangent to circle, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल के सेंटर से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो इक्वल्स टू होगा रेडियस, ठीक है? सर्कल का सेंटर आपका 0,0, तो 0,0 से हम लोग इक्वेशन वन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, जो किस फॉर्मूले से निकालेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले से ax1 plus by1 plus c upon root over a2 plus b2. यही होता है, जैसे पॉइंट x1 कोमा y1 का डिस्टेंस ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ये 0,0, ये हो जाएगा रूट ओवर 16 m स्क्वायर माइनस 9 अपॉन रूट m स्क्वायर प्लस 1 is equal to radius is 3. Radius आपकी कितनी आ रही है? 3. अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 16 m स्क्वायर माइनस 9 is equal to 9 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? ये 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 आ जाएगा 7 m स्क्वायर is equal to 9 आपका ये और 9 ये 18, ठीक है? तो यहाँ से मिल रहा है आपको m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 बाय 7 का रूट, है ना? m आ गया आपको, तो इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। इक्वेशन क्या थी आपकी? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट 18 बाय 7 प्लस रूट ओवर 16 m स्क्वायर, मतलब 16 इंटू 18 बाय 7 माइनस 9। आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आपका मिल गया इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। बोलिए किसी को डाउट हो तो। देखो यहाँ तक समझ आया, पहले इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जहाँ तक हम लोगों ने ली है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तक क्लियर है? ये स्टेप तक बताएंगे, यहाँ तक क्लियर है जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ली है? यस मैम। यस मैम। अब यही आपकी टेंजेंट है किस पे? सर्कल पे। और सर्कल पे टेंजेंट होने का कंडीशन क्या होता है कि इस लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? रेडियस के। अब इस सर्कल की रेडियस कितनी है आपकी? 3, ठीक है? अब सेंटर कितना है आपका? 0,0। अब आप लोग ढूंढ रहे हैं 0,0 का, ये जो लिखा है मैंने, ये आपका डिस्टेंस ऑफ 0,0 फ्रॉम कहाँ से? लाइन mx माइनस y प्लस रूट ओवर 16 m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 रखोगे तो ये तो 0, ये रखोगे बचा 0, और यहाँ पे आपका ये एज आएगा, मतलब ax 0 हो गया, by 0 हो गया, और इसी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? एम। एम स्क्वायर बाई कोफिशिएंट माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। थ्री आपकी रेडियस, ठीक है? फिर हम लोगों ने स्क्वायरिंग कर लिया, तो 3 का स्क्वायर 9, ये रह जाके रूट हट जाएगा, इसका उसे रूट हट चुका, तो ये हो गया 16 माइनस 9 7, 9 प्लस 9 18, तो एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बाई 7, तो एम प्लस माइनस रूट 18 बाई 7, तो वही आ गया। एम की वैल्यू पुट करनी है आपको, पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन, यस मैम। बाकी किसी को डाउट है? नो मैम। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. अब पहले सर्कल वाले क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, देन आपका पैराबोला, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब पे बात करेंगे. अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था, जिसमें हमने हाइपरबोला और सर्कल पे काम किया. देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इफ द लाइन y is equal to mx plus c is a common tangent to the hyperbola x square upon 100 minus y square by 64 is equal to 1. And the circle x square plus y square is equal to 36. Then which of the following is true? क्वेश्चन है आपका 2020 का. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 369, ऑप्शन बी 5m इज इक्वल टू 4, ऑप्शन सी 4c² इज इक्वल टू 369 एंड ऑप्शन डी 8m प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ट्राई करेंगे. प्रीवियस वाले की तरह है. क्वेश्चन का मेथड समझ आए? पहले ये बताओ क्वेश्चन का मेथड तो क्लियर है ना सबको, कैसे करना है? हाँ तो ट्राई कीजिए. फिगर वैसे ही, आपको फिगर की वैसे जरूरत नहीं है. यहाँ पे एक सर्कल है, एक आपका हाइपरबोला है, आपको कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है ना. प्रीवियस जैसे ही आपका फिगर है, सर्कल आपका ये है, यहाँ पे यहाँ पे नहीं आपका हाइपरबोला है, कॉमन टेंजेंट आपकी बनी हुई है. मैम ऑप्शन ए. ऑप्शन ए ओके, चेक कर लेते हैं. मैम ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आंसर होगा. ऑप्शन सी. यस मैम ऑप्शन सी. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था. कोई बात नहीं. स्वयं तुम्हारा कितना आ रहा है, सी आ रहा है या ए? सी. देखो जिनका विषय नहीं हुआ है जल्दी से देख लेंगे.
y is equal to mx plus minus root over 100 m square minus 60. ये equation है ना, और हम लोग इसे लिख सकते हैं कितना, mx minus y plus minus इफेक्ट मुझे नहीं डालेगा क्योंकि आप मॉड के अंदर वैसे भी इसे लेके चलो, इज इक्वल टू जीरो, सेंटर इज 0, 0 है ना, तो फोर कॉमन टेंजेंट तो सर्कल हम लोग को पता है कि 0, 0 से मतलब जो रूट 100 m स्क्वायर माइनस 64 अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1 है का मॉड इज इक्वल टू कितना है आपका, रेडियस इज 6, तो यहां से आ गए 100 m स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 36 m स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, तो m स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 64 m स्क्वायर इज इक्वल टू 100, m स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 64, है ना, हम लोगों का टारगेट है c निकालना, c आपका है रूट ओवर 100 और c स्क्वायर ही मांग रहा है तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम लोग, 100 m स्क्वायर माइनस 60, 100 m स्क्वायर माइनस 64, ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका, c स्क्वायर इज इक्वल टू 100 m स्क्वायर प्लस 64, अब वैल्यू मुझे पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, देख आ जाएगा ना आंसर, यस मैम, ठीक है, वैल्यू पुट कर लो सर, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, अब सर्कल और कर्व में समझ आ गया, अभी कर्व एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, हर बार यही करना, ठीक है, यदि सर्कल के साथ वो दे रहा है, यदि आपको सर्कल के साथ गिवन, अब यदि दूसरे के साथ होता है तो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अब सेकंड क्वेश्चन उसी पे लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू, अब क्या क्या गिवन है आपको, हाइपरबोला और ये कौन है, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, एक कर्व ले लीजिए, अब बताइए जरा टेंजेंट टू पैराबोला इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ये कितना है 2 बाय m होगी, c इज इक्वल टू, मुझे कंडीशन होता है ना इसमें a बाय m पैराबोला में, एलिप्स में क्या होता है आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपरबोला में होगा आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सर्कल में होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वन, और ध्यान दीजिएगा ये सब सेंटर इनका 0, 0 है, जब सेंटर 0, 0 है तभी आप ले रहे हैं, और इसका वर्टेक्स आपका 0, 0 है, वो चेंज होगा तो कंडीशन भी चेंज होगी, चलिए तो इतना आ गया, अब टेंजेंट टू हाइपरबोला हम लोग ढूंढ रहे हैं, हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, ये तब तक मुझे बार बार लिखिए तब तक याद नहीं हो जाता है आप लोगों, ठीक है, अब सोचिए जरा यदि ये इसकी टेंजेंट है, यदि ये इसकी टेंजेंट है तो इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो इसका डी कितना आएगा, 0 आएगा, बोलो, एक रूट अब मिलेगा, टच कर रहा है, मतलब यदि मैं वाई को यहाँ पे पुट कर दूं तो इसका डी 0 आएगा, देखो दो तरीके, yes, एक और मेथड देखो कर सकते हो, पहला ये या दूसरा, यहाँ पे भी तो आपको टेंजेंट निकालना आता है, यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, यहाँ की टेंजेंट बताओ मुझे कितनी होगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ओवर कितनी आएगी आपकी,
नाइन एम स्क्वायर माइनस फाइव होगा। यस मैम। अब यदि दोनों सेम टेंजेंट है आपकी तो दोनों का सी इक्वल होगा, होगा ना? यस मैम। तो आपको पता है नाइन एम स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर बाय एम स्क्वायर। आप लिख दें नाइन एम टू पावर फोर माइनस फाइव एम स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो होगा। अब ये सॉल्व नहीं कर सकते हो, एम स्क्वायर को टी मानो। देखो यहां से करोगे तो लेंथी पड़ेगा, यदि मैंने इसे इसमें पुट किया देन मुझे सॉल्व किया तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। यहाँ पे करो दोनों की सी को कंपेयर करो, दोनों के हम लोग सी को कंपेयर करें तो यहां से देखो कितना आएगा। नाइन टी स्क्वायर माइनस फाइव टी माइनस फोर इज इक्वल टू सी, वैल्यूज बताइए थी। नाइन फोर। नाइन फोर ये आ रहा है क्यों? तो रूट आएंगे आपके नाइन टी प्लस फोर टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ गया टी इज इक्वल टू माइनस फोर बाय नाइन एंड टी इज इक्वल टू वन, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि टी कौन है, टी तो एम स्क्वायर है। तो एम स्क्वायर बचे कितना आ गया प्लस माइनस वन, ठीक है पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन वन, ये रेड वाली जो इक्वेशन लिखी है। तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस टू। देखिए बोलेंगे, डाउट है तो बोलेंगे, बोलिए किसी को भी डाउट आ रहा है तो। नो नहीं है डाउट तो एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाएंगे, क्वेश्चन लिखते क्वेश्चन इज फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड x square upon b square minus y square upon a square is equal to minus 1. अब second वाले की condition आपको नहीं आती है tangent की, मैंने सिखाई तो नहीं है, तो पहले वाले की equation निकालिए, इसमें put कर लो, या तो वैसे कर सकते हो या second वाले की condition पहले find करो आप, ये खुद से try करना है, try करके बताएंगे मुझे। और इसका कंडीशन निकालना आसान है आपका, देखो इस कर्व को ध्यान दीजिएगा, इसको हिंट ले ले, इसको आप ये लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो? यस मैम। और इसका टेंजेंट आपको आता है ना, इसका टेंजेंट निकालना, और इसका टेंजेंट भी आता है, दोनों के सी को कंपेयर करो तो मुझे वैल्यू बताएंगे कितनी आ रही।
मैम कॉमन टेंशन है बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। एम कितना आ रहा है, एम बताइए। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके। चलिए एक बार जल्दी से वेरीफाई कर लेते। देखो इसका जो टेंजेंट का कंडीशन है कि मेरी एंड होने वाला है, देखिए जरा इसका कंडीशन मुझे कितना होगा, सी इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर एम वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मान लीजिए है ना एम स्क्वायर। यहाँ पे जो कंडीशन आएगा वो आएगा आपका रूट ओवर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा ना। दोनों को सिर्फ कंपेयर करो, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है अब बचान से निकालो एम स्क्वायर। एम तो प्लस माइनस वन आएगा तो इक्वेशन आएगी आपकी कंडीशन गलत। हाँ एक इक्वेशन आएगी बच्चा एम एक्स, मतलब एम तो प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस